पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, हम सब लोग मिलकर सदन में भी इस बात को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे और सड़क पर भी पूरे देश भर में जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को ले जाकर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज जरूरत इस बात की है, जैसा कि सरकार ने पिछले सत्र में कहा था, उस वक्त भी बात उठी थी, सरकार ने कहा था कि फिलहाल हम नियुक्ति पर रोक लगाते हैं और कोर्ट का डिसीजन हम इंतजार करते हैं, डिसीजन अगर विपरीत आया, अनुकूल नहीं आया तो जो भी निर्णय लेना होगा सरकार निर्णय लेगी, लेकिन पिछड़ों के साथ एससी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आज वक्त आ गया है इस बात का, अन्याय शुरू हो गया, कोर्ट के डिसीजन के कारण अन्याय शुरू हो गया। हम कहना चाहते हैं सरकार से, जो आपने आश्वासन दिया था उस समय राज्यसभा में, उस आश्वासन के अनुकूल अभी सदन का सत्र चल रहा है, आप अविलंब सदन में चलते हुए सदन में बिल लाइए, एक्ट बनाइए ताकि आरक्षण की व्यवस्था की पुनर्बहाली फिर से हो सके। मित्रों, कई लोग कहते हैं अब इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, सदन का सत्र चल रहा है, इसमें इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जब 24 घंटा के अंदर 10% आरक्षण की व्यवस्था देनी थी इनको, 10% आरक्षण जिनको देना था, किसी को पता नहीं था, 24 घंटा के अंदर सरकार ने डिसीजन लिया, बिल भी आ गया, पारित भी हो गया और आनंद फानंद में लागू भी हो गया। 24 घंटा के अंदर जब हुआ काम हो सकता है तो चलते हुए सदन में इस बात को लेकर बिल क्यों नहीं आ सकता है, निश्चित रूप से बिल आ सकता है। अगर इसके बावजूद सरकार बहानाबाजी करती है, बिल नहीं लाती है, तो इसका सीधा अर्थ है कि सरकार की नियम ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग भी जानते हैं सरकार की नीयत ठीक नहीं है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे, सरकार को विवश करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाला चुनाव में जनता ही उनको नकारने का काम करेगी और तब जो सरकार आएगी हमारी अपनी सरकार होगी, सामाजिक न्याय की सरकार होगी। इसलिए ऐसी सरकार को जो हमारी बात को न माने, पिछड़ा SC ST तमाम लोगों के अधिकार को न दे, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करें और अपनी सरकार सामाजिक न्याय की सरकार को लाने का काम करें। मित्रों, आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि आखिर कोर्ट से ऐसा डिसीजन क्यों आता है, कोर्ट सामाजिक न्याय के विरोध का निर्णय क्यों लेता है। इसलिए सामाजिक न्याय के विरोध का निर्णय कोर्ट लेता है कि कोर्ट में SC ST OBC के लोग नहीं है, कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हमारे नहीं है, इसके चलते इस तरह का फैसला कोर्ट से आता है। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह का निर्णय बाद में भी आए, सामाजिक न्याय के खिलाफ वाले निर्णय नहीं आए, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली में भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कॉलिजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए, जरूरत इस बात की है। इसलिए आप सब लोगों से और अपील और आग्रह करना चाहते हैं, इस आंदोलन को और तेज करना है, आप सब लोग इसी तरह से उत्साह के साथ लगे रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अपनी पार्टी से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम हर कदम पे हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ SC ST के साथ जो साजिश हो रही है उसको किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों ने इतना अच्छा सहयोग किया, सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।